अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। केनाल लॉक गेट 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप, कैलकुलेट द थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट अज्यूमिंग दैट द वाटर इन द केनाल इज इन द लेवल विद द टॉप ऑफ द गेट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सवाल है मेरा बेटा, हम देखते हैं कि केनाल गेट का बताया हुआ है कि ये इसकी विड्थ है हमारे पास 20 मीटर और इसकी डेप्थ है 10 मीटर। केनाल गेट इसलिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, हम शिप को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है, जैसे पानी यहाँ तक भरा हुआ था तो फिर हम केनाल गेट के अंदर ले जाके और पानी भरते जाते हैं, ये लेवल ऊपर होते जाता है तो इसमें यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो मेरा बेटा बायंसी फोर्स हमें निकालना है, बायंसी फोर्स का हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विड्थ लिख लिया, डेप्थ लिख लिया हमने, बायंसी फोर्स निकाला, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन था, तो हम बायंसी फोर्स यहाँ पर एवरेज फोर्स निकालेंगे। क्यों मेरा बेटा? क्योंकि यहाँ पर लेवल इनिशियल लेवल पे जो भी शिप होगा उस वक्त बायंसी फोर्स क्या है, फिर टॉप लेवल पे जाएगा, उन दोनों को प्लस करके और डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो मेरा बेटा इनिशियल लेवल पे वॉल्यूम 0 है केनाल गेट के अंदर, जब पानी भर जाता है तो फिर ऊपर लेवल पर चला जाता है और ये हमारे पास, तो हम इन दोनों फोर्स को नीचे जब था और ऊपर जब था दोनों में को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास F1 इज इक्वल टू रॉ जी V1 है, V1 इज इक्वल टू 0, तो F1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा बेटा। वॉल्यूम इनिशियल लेवल पे 0 है, जाहिर सी बात है पानी नहीं भरा हुआ था ज़्यादा, तो हमारे पास 0 है तो ये फोर्स भी 0 हो जाएगा। जब F2 पे जाएंगे तो रॉ जी V2 करना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है V2, यहाँ पर V2 को मैंने निकाल लिया है, जाहिर सी बात है दो चीज़ों से करके, ये हमारे पास है A इंटू H से, ठीक है ना। एरिया हम निकालेंगे विड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ से और उसी हाइट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.96 न्यूटन इसके पावर 6 न्यूटन, ये F2 आएगा। F1 में 0 है मेरा बेटा, इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, 9.8 इंटू 10 इसके पावर 6 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू, तो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।